तो आपके अंदर से दूसरे धर्मों के प्रति गहरी रुचि जो बन रही थी धीरे धीरे, दूसरे के प्रति वो अच्छी नहीं है। उससे क्या होता है, वहाँ की नकारात्मक स्मृतियाँ आपने धीरे धीरे प्रवेश करती, रास्ता बनता है। जब आप भाव के रूप से जुड़ते हो, जैसे आपको लगता था कि अपने धर्म से अच्छा ये धर्म है, किसी भी कारण से, कारण नहीं खोल रहे हैं हम, किसी कारण से बोल रहे हैं, तो ऐसा है नहीं। आपका सनातन धर्म ये इसका कोई आदि अंत नहीं, ठीक है ना जी। सनातन सदा से था, सदा है, सदा रहे। सनातन का अर्थ होता है हवा, पानी, अग्नि, आकाश, हाँ पृथ्वी, यही सनातन है। सदा से थी, है और सदा रहे, है ना, ये सनातन है। सनातन का मतलब ये नहीं कि हम केवल गिरुआ कपड़ा पहन ले या केवल चोटी रख लिए, इसका अर्थ ये नहीं। सनातन में ही हम पैदा हुए, सनातन ही थे, सनातन है, सनातन ही रहे। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बिहार से आया हूँ बाबा, पटना से। रखे लिए डीएनए में चार लोग हैं, एक पत्नी सिर्फ नहीं है सर, अच्छा बाकी दोनों बच्चे हैं साथ में सर। कोई बात जी, देखिए आपके आपके बच्चों के दोनों जो खड़े से पुत्र है, सारे कष्ट से सब नष्ट हुए। आप तीनों मिश्र के भी नष्ट हुए, लेकिन वो लिखे तीन लोग। हार्ट के वॉल में सूजन, डिप्रेशन किसमें दिया थी, एमएनडी किसमें दिया थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, बैठ करके उठने में कष्ट होता था, और ऑस्टियोपोरोसिस किसमें दिया थी, लीवर में सूजन हो रही थी, वीर्यनाश कराने वाली स्मृतियाँ थी, सुनकर पूरा ना समझने देने वाली स्मृतियाँ थी, बोन मैरो दूषित हो रहा था, एक्सीडेंटल स्मृतियाँ थी, एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियाँ थी, अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, चीज़ें भूलते जा रहे थे, थायराइड ग्लैंड में सूजन हो रही थी, कब्ज व अपच की स्मृतियाँ थी, दुर्घटना कराने वाली स्मृतियाँ थी, श्वास फूलती थी, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, पैर के तलवों में सुनपन रहती थी, पढ़ाई व कार्य से उच्चाटन हो जाता था, हृदयघात की स्मृतियाँ थी, पेशाब करने में कष्ट होता था, हर्निया की स्मृतियाँ थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, थायराइड की स्मृतियाँ थी, पीलिया की स्मृतियाँ थी, जॉन्डिस की, किडनी श्रिंक हो रही थी, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, प्रोस्टेट में, लीवर में, कोलोन में, रक्त में, रेक्टम में और गले में। ये सब होता था, ऐसे हृदय में समस्या बढ़ती जा रही थी। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, हार्ट के वॉल में सूजन हो रही थी, श्वास लेने में कष्ट होता था, चलने में जल्दी थक जाते थे, बस श्वास फूलती थी। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, बलि प्रथा वाले स्थान से दूर रहना। जी जी गुरु, आपका परिवार जुड़ा था बलि प्रथा के स्थान से, आपके परिवार के लोग जुड़े थे जहाँ बलि होती थी। जी जी, उसके कारण से आप लोगों में सारे लोग कष्ट बने जी। दोनों बच्चों में किडनी की प्रॉब्लम हो रही थी जी, मूत्र संस्थान से जुड़े हुए रोग दोनों बच्चों में बढ़ते जा रहे थे। हाँ, है ही, इन्फेक्शन बढ़ते जा रहे थे किडनी में जी, है ना, पथरी का भी शिकायत था। हाँ जी, ये सारे अभी सब नष्ट हुए, इनसे बचना है, इसीलिए बुद्धि बंधी हुई थी केवल बलि प्रथा वाले स्थान से जुड़े रहने के कारण, और अड़ियल टाइप के हो जाते, यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये दोनों में है, बड़े में तो ज्यादा है, जो हम करें वही सत्य है। वही बात है, अड़ियल टाइम तो सब स्मृतियां नष्ट हुई है। बहुत अच्छे, बच्चों में ऐसा नहीं था कि बाहरी स्मृतियां थी जो अड़ियल बना देती थी, अभी सब नष्ट हो गई। अब दोनों बिल्कुल प्यारे कोमल से बच्चे खड़े हैं, ये बच्चे हैं, ये गंदगी गई जिनको ऐसा कराती थी, पैर अचानक से सुन्न हो जाते थे, पेट में दर्द आ जाता था, ये सब होता था, आपको भी आ जाता था जी, पैर में दर्द तो हमारे ही बने रहते थे। हाँ, सुन हो जाते थे भी आपको, ये सब होता था, सब नष्ट हुआ। गुरु जी, हमें एक बच्चों और... में तो बच्चों में तो ये हो रहा था कि इनके काम से इनको अरुचि हो जाती थी बिल्कुल, छोटे वालों को तो सब अरुचि रहता है। लेकिन आप कुछ कर रहे नहीं, छोड़ो हटाओ सब जी जी, ऐसा था। प्रोस्टेट में सूजन आ रही थी बच्चों को, जो पौरुष होती जी जी, आंखें लाल हो जाती थी छोटे वाला बच्चों की, हाँ लाजमा आ जाती थी आपको जी जी, बच्चे जानते हैं दोनों, तो वो सब नष्ट हुई, अब कभी नहीं आई, वो इनकी लालिमा नहीं थी, स्मृतियाँ थी बाहरी गंदगी, स्मृतियाँ थी, सब नष्ट हो गई। आप सब लोग अच्छे हैं, कल एक महावन कर लीजिएगा जी, अपना जी, ध्यान से जी, तो अपने को आप रखिएगा जी, और धर्म पत्नी को रखिएगा संकल्प में जी, और ये
और ये बच्चा जो खड़ा है किनारे जी, इसको रखिएगा जी, तीन लोग महावन के संकल्प में रखिएगा जी, ठीक है। जो चौथा बच्चा है इसको, आपका बच्चा दूसरा, इसको भी दरबार की ओर से महावन के फूल दिला दे रहे हैं जी, तो चारों के पास रहेंगे क्योंकि इसको भी आवश्यकता थी, क्योंकि ये बच्चा डिप्रेशन में रहता था, हमेशा डिप्रेशन में रहता था। इसका डिप्रेशन समाप्त हुआ है, अब डिप्रेशन नहीं है, लेकिन अभी इसको ही पुण्य दरबार की ओर से मिलेगा। तो आप लोग कल महावन जरूर कर लें जी, है खुश हो। गुरु जी मेरे पर एक कृपा बरसा दें। हाँ बोलो। हम ध्यान साधना पूजा पाठ कुछ भी करते हैं तो हमारा वर्तमान में ना रह करके भविष्य और इधर उधर भटकते रहता है, कभी भी मैं जाप ढंग से नहीं कर पाता हूँ। हमें लगता है कि पूजा तो करता हूँ लेकिन पूजा मेरा पूर्ण नहीं होता है। ऐसा ही था जी, बिल्कुल ऐसा ही था। तो ये सर हमारा सर ना है जी, लेकिन आज से वो सब समाप्त हुआ। अब आंख बंद करके अब जरा जप करो अपना, अब वर्तमान में ही रहोगे, ना भविष्य में जा पाओगे ना भूतकाल में जा पाओगे। देखो जी बाबा, जी बाबा, आंखें बंद करो, दूसरे जो कष्ट आ रहा निकाल के नष्ट कर दो, प्रहार नष्ट करके सिर पाँव के लगे शुद्धि गठबंधन तोड़ दीजिए सारे, सिर पाँव के लगे पांच बार ओम नमः शिवाय बोल के हाथ को, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश रहिए। अब आप आओ बेटा जरा एक मिनट, आपको पुण्य दिया जाए दरबार। गुरुदेव आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, आंखें बंद करो। कोई भी काम शुरू करने के पहले नकारात्मक हो जाते थे, गुस्सा भयानक आता है, दरबार की ओर से जैसे महावन के पुण्य का आशीर्वाद दें। सुश्रुत माता पांच बार बोलो बेटा, सात बार बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आंख खोल लो, बंधन की तो साथ में ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभी जो संकल्प हो गए यहाँ पर महावन करके आते हैं लोग, खड़े होते रेलिंग के पास, तो आप खड़े होके अभी संकल्प कर लेना, आपके पास पुण्य है। अच्छा, और पापा मम्मी का और भाई का जी, इन लोगों का कई लोग मिलकर अपना महावन कर लेंगे, इन लोग तो ये लोग कल अपना संकल्प कर लेंगे, ठीक है जी। दूसरी बात, सनातन धर्म जो है, हिंदू धर्म जो है, बहुत विशालता लिए हुए बेटा जी, तो आपके अंदर जो दूसरे धर्मों के प्रति गहरी रुचि जो बन रही थी धीरे धीरे, दूसरे के प्रति वो अच्छी नहीं है। उससे क्या होता है, वहाँ की नकारात्मक स्मृतियाँ आपने धीरे धीरे प्रवेश करती, रास्ता बनता है। जब आप भाव के रूप से जुड़ते हो, जैसे आपको लगता था कि अपने धर्म से अच्छा ये धर्म है, किसी भी कारण से, कारण नहीं खोल रहे हैं हम, किसी कारण से बोल रहे हैं, तो ऐसा है नहीं। आपका सनातन धर्म ये, इसका कोई आदि अंत नहीं, ठीक है ना जी। सनातन सदा से था, सदा है, सदा रहे। सनातन का अर्थ होता है हवा, पानी, अग्नि, आकाश, हाँ पृथ्वी, यही सनातन है। सदा से थी, है और सदा रहे, रहे। है ना, ये सनातन है। सनातन का मतलब ये नहीं कि हम केवल गिरुआ कपड़ा पहन ले या केवल चोटी रख लिए, इसका अर्थ ये नहीं। सनातन में ही हम पैदा हुए, सनातन ही थे, सनातन है, सनातन ही रहे, ठीक है जी। गुरुदेव खुश, खूब खुश सर, और बहुत तरक्की करोगे, चिंता मत करो, बहुत अच्छा होगा सर, ठीक है। खुश, गुरु जी को प्रणाम। खुश गुरु जी, जो बड़ी दो प्रॉब्लम है मेरे को, आंख का और कान का, उस पर निवारण करिए गुरुदेव। आप क्या प्रॉब्लम बताओ, कोई प्रॉब्लम हो आंख में? ये कम, मतलब बिना चश्मे का दूर का देखने में बहुत दृष्टि आपकी चली गई, बहुत कम हो गई जी, तो छोड़ दीजिए जी। उस कभी कभी दो भी दिखने लगते थे आपको जी, एक चीज दो दिखती थी कभी कभी जी जी। डिप्लोपिया भी आपको था, दरबार ने नष्ट किया, आपको कलर ब्लाइंडनेस भी आपको थी, वो भी दरबार ने भी नष्ट किया, कलर आपको भ्रमित हो जाते थे कलर में जी, ये भी दरबार ने कलर ब्लाइंडनेस आपकी नष्ट की।
ऐसे बहुत कष्ट है, आंखों में चुभन, जलन, खुजली, ये सब नष्ट किया, कोई शेष नहीं। जी जी। लेकिन जो आंखों की दृष्टि का मामला है, लेपन जब आप करेंगे, नर्वस सिस्टम आपका अच्छा हो, बताया गया है कि आपके नर्वस सिस्टम में जो प्रॉब्लम रहती है, सूजन रहती है, वो जाए, धीरे धीरे भी अच्छा होता है। ठीक है जी जी। गुरु जी, कोई एक समस्या आपको नहीं है, पहले आप बात को सुन के ठीक से समझ नहीं पाते थे जी। समझ के उत्तर नहीं दे पाते, तो आपको लगता था कम सुन रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही सुनने में, ऐसा कुछ नहीं था। अब जैसे आपसे बात कर रहा हूँ और बात कर रहे हैं, आपको पूरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सुनने में आ रही है। जी जी। जैसे आप चश्मा उतारिए बताएं। जी। अब क्या होता था, ये चश्मा अगर आप 2 मिनट हटाए रखें तो आपके सिर में दर्द चालू हो जाता था। जी। होने लगता था। जी जी जी। अक्षर हाँ, बिना चश्मे के। जी। अब आप बिना चश्मे घूमो, कोई दर्द नहीं होगा। जी जी। कोई तनाव लग रहा है आपको किसी प्रकार? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है, ये सब नष्ट हुआ है बेटा, लेपर जरूर करना है। जी जी। एक और कृपा गुरुदेव। हाँ बोलो। हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो हम चाहते थे कि जल्दी परमानेंट गुलाम क्यों होना चाहते हैं? जी, परमानेंट गुलाम क्यों होना चाहते हैं? अब हालात ही ऐसे हैं। ये जीवन ऐसा रचा बसा है ईश्वर ने, किसी की गुलामी नहीं करना चाहता, सदैव स्वतंत्र रहना चाहता है। ये जीवन करना चाहता है किसी गुलामी, ऐसा है किसी की गुलामी किसी को स्वीकार है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं स्वीकार। अगर पक्षी भी ले आए, पिंजरे में रखना चाहे, पिंजरा खुला पा जाए, अगर गए चाहे जितना भोजन पानी उसको दो, लेकिन पिंजरा खुला पा गया तो उड़ जाए। तो गुलामी किसी को किसी की स्वीकार नहीं, बंधन स्वीकार नहीं किसी को। तो बच्चे लोग क्या कहते हैं, बाबा वो सरकारी नौकरी माने परमानेंट? ठीक है, प्रयास करो, अब आप सब कर पाओ। खुश धन्यवाद। खूब खुश प्रसन्न।